press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. की तरफ से औरंगाबाद की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जाने का मौका मिला और पार्लियामेंट का पहला सेशन जो कई सालों के बाद इतना लंबा सेशन हुआ कि पौने दो महीने के करीब उससे ज़्यादा वो चला सेशन और उसमें कई सारे मुद्दे हमने उठाए और लोगों की आवाज़ वहाँ पर बने और उसका नतीजा ये हुआ कि कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के अगर कोई आप सवाल उठाते हैं तो उसकी बहुत अच्छे तरीके से दखल ली जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण देना है तो भाषण दे के आ गए है करके। कुछ मुद्दे ऐसे थे कि जैसा जब एयरलाइंस की बात आई, एयरलाइंस का जब मुद्दा निकला उसके फौरन बाद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और उसके ऊपर अभी भी प्रोसेस जारी है कि 15 अगस्त का डेट थी कि 15 अगस्त तक ये स्टार्ट करने वाले है करके। एयरलाइंस पूरी तरह से तैयार है औरंगाबाद से फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए, लेकिन कुछ स्लॉट्स का इशू आ रहा है और कुछ एयरलाइंस ऐसा है कि इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर अपनी मोनोपोली रखी है। सरकार का ये कहना है कि दोनों एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज हैंडल करती है तो इस वजह से उसमें दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैंने तो हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनको बताया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरकार है तो